नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। देश भर में व्याप्त कोरोना महामारी के बीच चार चरणों में हुए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद मजदूर वर्ग के लोगों से लेकर के मध्यम वर्गीय लोगों के बीच आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई। इन सबके बीच प्राइवेट स्कूल कोचिंग संस्थानों के द्वारा बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने का दबाव अभिभावकों पर मंडराने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब के बीच अभिभावकों के दयनीय स्थिति को समझते हुए डीपीएस स्कूल के चेयरमैन कन्हैया कुमार सिंह ने अपने स्कूल के बच्चों के फीस माफ करने की घोषणा कर दिए हैं। जी हाँ, चौंके मत, ये सही है। डीपीएस स्कूल के चेयरमैन कन्हैया कुमार सिंह ने अपने स्कूल के बच्चों के फीस को माफ कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने स्कूल के स्टाफ के सैलरी का 50% सुचारू रूप से देने की घोषणा की है। क्या कुछ कहा है डीपीएस स्कूल के चेयरमैन कन्हैया कुमार सिंह ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हम अपने स्कूल के चेयरमैन के हैसियत से, मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह जो इस स्कूल चेयरमैन है, मेरा यह घोषणा है कि मैं अपने स्कूल के स्टाफ के लिए जब तक लॉकडाउन रहेगा स्टाफ पेमेंट का 50% स्टाफ को देंगे और बच्चों को पूरे फीस जब तक की लॉकडाउन रहेगा पूरा फीस माफ़ कर देंगे। यही मेरा घोषणा अभिभावक से।